एशियन ब्रिज इंडिया, फेम इंडिया और सहयोग लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में 16 दिवसीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के समापन के दिन एक साल से समानता लाने हेतु जूझ समानता के साथियों ने और युवाओं ने शपथ ली। वे महिलाओं का सम्मान करेंगे और महिला हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और घरेलू कार्यों में अपनी भूमिका निभाएंगे। सरिता ने बताया कि एशियन ब्रिज इंडिया के साथियों ने 25 नवंबर से 16 दिसंबर तक महिला हिंसा विरोधी पखवाड़े के अंतर्गत रैली, कैंडल मार्च, लघु फिल्म शो, कार्यशाला, किशोरियों को थाना भ्रमण कराया गया। आज गणेशपुर के युवा साथियों ने शपथ लेकर इस अभियान का समापन किया और आगे भी ये लोग अपने आसपास हो रही हिंसा का विरोध करेंगे, जिसमें इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मंजू, ममता, सबिता, समानता के साथी मुन्ना, प्रभुदयाल, संदीप, अंकित, रोहित, राजकुमार, सुलभ, सुरेंद्र, किशन, गुलशन, राजेश आदि लोग शामिल हुए। भारत के जिंदा नागरिक के रूप में हम लोग शपथ लेते हैं कि सदैव बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे मैं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से अपने कृत्यों शब्दों तथा कर्मों से किसी बालिका एवं महिला के अधिकारों को एवं मर्यादा का हनन नहीं होने दूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके विकास के लिए समान अवसर प्रदान करने में अपना पूरा योगदान